सेविंग 80,000 गोल्ड इन अनादर वर्ल्ड के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है। जो मित्सुया है वो किंगडम में एंटर करती है, एंड वो जैसे ही किंगडम में एंटर करती है वहाँ के जो गार्ड्स है वो उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किससे मिलना है। तो वो कहती है मुझे फ्यूडल लॉर्ड बोनजोन से मिलना है एंड उनकी फैमिली से मिलना है। तो वो कहते हैं हम ऐसे ही किसी को उनसे मिलने नहीं देते, क्योंकि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट या फिर उनका इन्विटेशन लगना ज़रूरी है। पर जो मित्सुया है उसके पास ये नहीं होता, इसलिए मित्सुया को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर तभी वो एक मार्केट प्लेस पे आती है, फिर तभी वहाँ पे उसे एक रॉयल कार्ड दिखाई देती है। फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसे बताती है जो रॉयल कार्ड में जो लड़के एंड एक लड़की बेटी है वो बोनजोन फैमिली के लड़के हैं, मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड है उनके लड़के हैं। फिर तभी जो मित्सुया है उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, एंड उसके जो भाई के जो शब्द है वो उसके दिमाग में याद आते हैं कि उसका जो भाई है वो कहता है अगर तुमको रॉयल किंगडम में एंट्री चाहिए तो तुम्हें उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड फिर तभी वो अपने रूम में टेलीपोर्ट होती है एंड वहाँ से कुछ सामान लेके वापस से एक फॉरेस्ट में इधर आती है, एंड वो थोड़ी देर वहाँ पे वेट करती है एंड वो कहती है बहुत देर हो गई। फिर तभी वो वहाँ पे एक रैबिट को देखती है, एंड फिर तभी वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड वो वहाँ पे एक फायर क्रैकर जलाती है जिसकी वजह से जो कार्ट है उसका जो हॉर्स है वो डर जाता है, एंड वो जानबूझ के कार्ट के सामने आ जाती है एंड वो गिरने की एक्टिंग करती है ताकि उन लोगों को लगे कि ये कार्ट की वजह से गिर गई है। फिर तभी रॉयल कार्ट के बाहर आके वो सभी लोग उसे देखते हैं एंड उन सबको लगता है कि ये बेहोश हो गई है। फिर तभी वो उसे रॉयल किंगडम में लेके वहाँ पे रूम में रख देते हैं। फिर तभी वो लोग कहते हैं कि ये जल्दी से ठीक होने चाहिए। फिर तभी जो बोनजोन फैमिली के जो फ्यूडल लॉर्ड है वो कहते हैं हमें जल्दी से इसे ठीक करना चाहिए। फिर तभी मन ही मन जो हमारी मित्सुया है वो कहते हैं मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। फिर तभी वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ, एंड फिर तभी वो उनसे कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर तभी जो फ्यूडल लॉर्ड है वो कहते हैं नहीं नहीं हमें माफ़ कर देना हमारी गलती के लिए। फिर तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वो तैयार होकर उनके जो डाइनिंग टेबल है उधर आती है। फिर तभी वो उनसे एकदम पोलाइटली बातें करती है कि किस तरह वो अपने जो कार्ट के मेंबर्स हैं उनसे बिछड़ के एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला किया था जिसकी वजह से वो वहाँ पे पड़ी थी। फिर तभी वो उनको ग्रेटिट्यूड दर्ज करने के लिए उनको एक प्रेजेंट गिफ्ट देती है जो कि रहता है एक मल्टी टास्किंग नाइफ। तो उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, एंड फिर तभी वो ऐसे बताती है कि उसके मतलब फैमिली के चलते उसे यहाँ पर आना पड़ा। फिर तभी वो जो है वो फ्यूडल लॉर्ड से बातें करती है कि किस तरह वो इस किंगडम में आनी चाहती थी एंड वो उन सभी से मिलना चाहती थी। फिर तभी वो कहते हैं ऐसी बात है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में जो फ्यूडल लॉर्ड है वो उनसे कहते हैं कि अभी के लिए तुम आराम करो, हम बाद में कल बात करेंगे। फिर तभी नेक्स्ट सीन में जो मित्सुया है वो अपने रूम में आती है एंड वो कपड़े चेंज करती है एंड वो उसी का नेकलेस पहनती है, एंड फिर तभी वो तैयार होके उस डाइनिंग एरिया में वापस आ जाती है। फिर तभी वो जैसे ही वहाँ पे आती है वो सभी से इंट्रोडक्शन करते हुए बातें करती है, एंड फिर तभी वो बातें करते हुए उन सभी को बताती है कि किस तरह वो यहाँ पे आ गए एंड बिछड़ गए, एंड फिर तभी वो अपनी फेक कहानी उनको बताती है कि किस तरह वो एक किंगडम की मतलब सक्सेसर थी, मतलब उसके पापा के मरने के बाद एंड उसकी जो माँ है वो भी मरने के बाद उसका एक यंगर मतलब बड़ा भाई था उसको उन सभी ने सक्सेसर बना दिया, एंड वो ये नहीं चाहती थी इसलिए वो वहाँ से चली गई। ऐसी वो फेक कहानी बताती है, एंड ये कहानी सुन के जो फ्यूडल लॉर्ड है एंड वो बाकी सब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एंड फिर तभी वो जो मित्सुया है वो उनको अपने नेकलेस के बारे में बताती कि यही मेरे पास है, एंड वो ऐसे ऐसे उनके बारे में बताती है। फिर तभी जो फ्यूडल लॉर्ड की वाइफ है यानी कि जो क्वीन है वो उनसे बताती है ये बहुत ही महंगा है, तुम ऐसे ही किसी को ये सब नहीं दे सकते। फिर तभी जो मित्सुया है वो कहते मैं ट्रस्ट की बात की जाए तो मैं ये आपको देने चाहती हूँ क्योंकि आप ही मेरी माँ की तरह दिखते हैं। फिर तभी वो इमोशनल होकर उसे गले लगाती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे माँ बुला सकती हो, एंड वो अपने मन ही मन कहती है कि मैंने इनका ट्रस्ट जीत लिया, एंड वो कहती है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, एंड फिर तभी वो एक दूसरे से गले लगाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो फ्यूडल लॉर्ड के लड़के हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर तभी जो मित्सुया है वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे कंट्री में तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं। फिर तभी वो नाखुश हो जाता है, एंड फिर तभी जो दूसरा लड़का है वो कहता है तुम्हारे पास ऐसे और भी इक्विपमेंट्स हैं। फिर तभी वो अपने लेग से एक और नाइफ निकालती है, एंड इसे देख के सभी लोग चौंकने हो जाते हैं, मतलब वो कहते हैं क्या है ये। फिर तभी वो बताती है कि अगर मैं ऐसे ही इनको दिखाती रही तो ये लोग मुझे मर्सिनरी या फिर एक असॉल्टर समझ रहेंगे। फिर तभी वो बता दिए कि ये एक
प्रोटेक्शन नाइफ है, ये हमारे कंट्री में सभी लोग यूज़ करते हैं। फिर तभी वो लोग कहते हैं अच्छा ये बढ़िया है, फिर तभी वो वहाँ पे बिजनेस की बातें करते हैं कि मैं आप लोगों को ये सेल करूँगी, एंड वैसे ही उन लोगों को बताती है। फिर तभी वो लोग मान जाते हैं एंड उनसे डील करने लग जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड की लड़की आके मित्सुओ से मिलती है, एंड फिर तभी जो मित्सुओ है वो कहती है वो ये कितनी शानदार दिखती है एंड वो कितनी बढ़िया है। फिर तभी वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पे क्यों ना एक जनरल स्टोर ओपन करो। फिर तभी जो मित्सुओ है वो कहती है हाँ मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। फिर तभी उसको उसके भाई की याद आती है एंड उसका भाई कहता है फूड कुकिंग का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। फिर तभी वो कहती है मुझे एक फूड का बिजनेस खोलना है। फिर तभी जो फ्यूडल लॉर्ड है वो उसे बताते हैं कि हाल ही में यहाँ पे फूड के चलते बहुत ही ज़्यादा भसड़ मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे फूड के चलते सॉइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एंड इसलिए जो मिच्छो है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम फर्टिलाइज करेंगे सॉइल को एंड जो प्रोडक्शन है उसको चेंज कर देंगे। एंड इसे सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो खाने के वक्त जो मित्सुओ है वो खाने के वक्त कुछ बोलते बोलते उसके हाथ से एक ग्लास गिर जाता है। फिर तभी उसे एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें वो अपने रियल फैमिली के साथ खाना खाते हुए उसे वो ग्लास गिर जाता है। एंड फिर तभी वो उन लोगों को बोलती है सॉरी पापा एंड सॉरी मम्मा, एंड ये सब बोलते हुए वो वहाँ पे इमोशनल हो जाती है एंड फिर तभी वो रोने लग जाती है। फिर तभी फ्यूडल लॉर्ड और जो क्वीन है वो उसे गले लगाती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है सुबह का सीन जहाँ पे जो मित्सुओ है वो अपने मन में कहती है मैंने इन लोगों का ट्रस्ट जीत लिया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर तभी जाते हुए फ्यूडल लॉर्ड एंड क्वीन है उन्होंने उसकी जो सारी जाने की तैयारी है वो की रहती है, यानी कि कार्ड से लेकर उसके बॉडीगार्ड से लेकर और मेड्स तक वो उसे प्रोवाइड किए गए थे। एंड फिर तभी थोड़े बहुत गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने उनको दिए थे। इसके चलते जो हमारी मित्सुओ है वो कार्ड में बैठ जाती है एंड उन लोगों को अलविदा करती है एंड उनसे वापस से मिलने का वादा करती है। फिर अगले सीन में मित्सुओ है वो अपने मन में कहती है ये एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी हो रही है एंड मैं अपने प्लान को एकदम सक्सेसफुल बना के रहूँगी। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।